डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PPI ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने जाने हैं, जो आपके बिहार पारा मेडिकल मैट्रिक में, ठीक है, आपके बिहार पारा मेडिकल मैट्रिक के 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये जो हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये कब का है, तो जो हमारे बिहार पारा मेडिकल मैट्रिक के 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बिहार पारा मेडिकल मैट्रिक का क्वेश्चन बिहार पारा मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके PMM के क्वेश्चंस भी आपके PM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम है मैट्रिक लेवल, है ना, और क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। जो आपके PMM में पूछे गए वो आपके PMM, और जो आपके PM में पूछे गए वो आपके PMM में। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ हमारा पर्यायवाची शब्द से है, और पर्यायवाची शब्द तो हर साल पूछे जाते हैं ना, ये पर्यायवाची शब्द से हर साल एक से दो क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाला टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इनमें से कोई तीन जो है हमारा हाथी का पर्यायवाची है और कोई एक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है वितुंड, बी में है कंचन, सी में है हस्ती, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा मतंग। तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो हमारा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाँ, ये जो कंचन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो वो हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वितुंड, हस्ती, मतंग, ठीक है, ये सभी क्या है, तो हमारे हाथी के पर्यायवाची शब्द है। और एक और इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है हमारा हाथी का कुंभी, ठीक है, कुंभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे हाथी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए, वितुंड, हस्ती, मतंग, कुंभी। लेकिन ये कंचन जो है ये हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किसी न किसी का तो होगा ही। तो चलिए आइए हम लोग कुछ कंचन के पर्यायवाची शब्द देख लें, है ना। तो कंचन के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, कनक, है ना, कनक, सोना, ठीक है, कनक, सोना, स्वर्ण, ठीक है, ये सभी क्या हो गए, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, कंचन के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियाँ आती हैं, है ना, कि बिहारी वर्ग में जो है हिंदी की कितनी बोलियाँ आती है। ऑप्शन ए में है एक, ऑप्शन नंबर बी में है दो, ऑप्शन नंबर सी में है तीन, और ऑप्शन नंबर डी में है चार, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीन। बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियाँ आती हैं, तो तीन आती है। कौन कौन सी, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। कौन कौन से आती है तीन, भोजपुरी, है ना, भोजपुरी, मगही, है ना, मगही और मैथिली, ठीक है, मैथिली। ये तीनों क्या है, तो ये हमारे हिंदी की बिहारी वर्ग में ये तीनों बोलियाँ आती है ना। बिहारी वर्ग में हिंदी की कितनी बोलियाँ आती है, तीन। तो कौन कौन सी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्णमाला से है, और यहाँ पे हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, है ना। हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा जो वर्ण है, सॉरी शब्द नहीं, कौन सा वर्ण है जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए में हमारा अक्ष, बी में त्र, सी में स्र, श्री, और ऑप्शन नंबर डी में है झ। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झ, ठीक है। झ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्यों, क्योंकि झ सिर्फ कैसे बना, झ और अ से, है ना, यहाँ पे स्वर अ। लेकिन संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसमें दो व्यंजन हो, जैसे अक्ष, ठीक है, तो अक्ष कैसे बना है, क और सौ से, ठीक है ना, क और सौ से बना है। श्री, तो ये श्री किससे बना है, स्र से बना है ना, स्र से, तो स्र हमारा कैसे बना है, ये तालब सौ प्लस र प्लस अ, है ना, और ये अगर अक्षर को भी तोड़ेंगे तो इसी जगह क प्लस मुदन सौ प्लस अ, है ना। और बात करें त्र, तो ये कैसे बना है, त और र से, है ना, त प्लस र प्लस अ से। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि अक्षों में भी दो वर्ण है ना, दो वर्ण है,
श्रौ में भी दो वर्ण है ना, दो व्यंजन वर्ण है, और हमारा त्रौ में भी दो व्यंजन वर्ण है, लेकिन झौ में जो है सिर्फ हमारा एक ही व्यंजन वर्ण है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं हुआ है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर झ। ठीक है, ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, और तीन संयुक्त व्यंजन होते अक्षर, त्र और स्र। ठीक है, तो सभी को क्लियर है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, तीन नहीं, चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। ये ज्ञ भी होता है, तो ये ज्ञ कैसे बना होता है, ज प्लस न प्लस अ से, है ना, ये ज्ञ इस तरह से बना। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, चार। ठीक है, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, हमने वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि उच्चारण के आधार पर निम्न समृद्ध स्वर है ना, कि उच्चारण के आधार पर कौन सा जो है समृद्ध स्वर है, दीर्घ ऊ, ओ, औ और दीर्घई। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समृद्ध स्वर है। तो समृद्ध स्वर किसको कहते हैं, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो समृद्ध स्वर किसको कहेंगे बच्चों, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम मुँह खुलता है ना, जिसके उच्चारण में बहुत कम मुँह खुलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समृद्ध स्वर बोलते हैं। इसमें से कौन कौन स्वर आ जाएंगे, तो हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। ठीक है, ये चार जो है हमारे क्या हैं, समृद्ध स्वर है। इसको बोलने में बहुत कम मुँह खुलता है, बोल के देखिए, हर्षई, दीर्घई, दीर्घऊ, ऊ, है ना, दीर्घऊ, है ना, तो इसको बोलने में बहुत कम मुँह खुलता है, इसीलिए क्या है, तो ये हमारा समृद्ध स्वर है। तो इसमें दीर्घऊ भी है और दीर्घई भी है ना, तो ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक अगला होता है, जैसे ये हमारा समृद्ध है ना, तो अगला क्या होता है, अर्ध समृद्ध। तो वे स्वर जिनके उच्चारण मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है ना, समृद्ध की अपेक्षा जो है कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ठीक है, ए और ओ, ये दोनों क्या है, तो ये हमारे अर्ध समृद्ध है। ठीक ना, अर्ध समृद्ध है, समृद्ध में कम मुँह खुलता था, हर्षई, दीर्घई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, देखिए ए, ओ, बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा मुँह खुला, तो ये क्या हो गया हमारा अर्ध समृद्ध। एक होता है विवृत, ठीक है, विवृत, तो विवृत किसको बोलेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख पूरा खुलता, आ, पूरा मुख खुल गया बोलने में, तो ये विवृत क्या हो गया हमारा, आ। ठीक है, आ स्वर जो है ये हमारा क्या है, विवृत है। ठीक है, और तीसरा है, चौथमा है हमारा अर्ध विवृत, जैसे समृद्ध का अर्ध समृद्ध था ना, उसी तरह विवृत का अर्ध विवृत है। इसमें क्या आएंगे, तो अ, अ, ए और औ, इसमें जो है आधा मुँह खुलता है, जैसे आ बोलते हैं तो पूरा मुँह खुलता है आ, लेकिन जब अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, औ बोलते हैं, तो क्या होता है, इसमें हमारा आधा मुँह खुलता है। तो जिसमें पूरा मुँह खुले वो विवृत है, जिसमें आधा मुँह खुले वो अर्ध विवृत है, जिसके उच्चारण में बहुत कम मुँह खुले वो हमारा क्या हो जाता है, समृद्ध, और समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा जिसमें मुँह खुलता है वो क्या हो गया हमारा अर्ध समृद्ध। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लोकोक्ति घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। ठीक है ना, मुहावरा व लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुहावरा व लोकोक्ति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोकोक्ति घाट घाट पानी पीने का अर्थ है, जिसने अधिक यात्रा करी हो, जो नदी का जल ही पीता हो, संसार का अनुभव प्राप्त करना, और जो सारे संसार से जल एकत्र कर ले, है ना। तो हमको क्या बताना है कि लोकोक्ति घाट घाट पानी पीने का अर्थ है। हम लोग कहते हैं ना, ओ उसने तो घाट घाट पानी पी लिया है ना, रमेश ने घाट घाट पानी पी लिया, तो इसका मतलब क्या, वो सब बहुत ज़्यादा यात्रा कर रहा, या फिर बहुत ज़्यादा नदी का पानी पिया, नहीं ना, क्या, तो जो संसार का अनुभव प्राप्त करना है ना, घाट घाट पानी पीने का अर्थ है संसार का अनुभव प्राप्त करना। जैसे मैं बोली कि रमेश ने घाट घाट का पानी पिया, अर्थात उसे संसार का बहुत अनुभव है ना। तो लोकोक्ति घाट घाट पानी पीने का क्या अर्थ होता है, तो संसार का अनुभव प्राप्त करना। सभी को क्लियर है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पद परिचय से, और पद परिचय से हमारे पीएम के एग्जाम में 6 से 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये सिर्फ पद परिचय में, क्योंकि बहुत कुछ है, संज्ञा से अव्यय तक हम लोग पढ़े। तो इसमें क्या पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा बहुत ईजी टॉपिक लगता है ना, तो बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा। आर्थिक, नैतिक, सार्वजनिक और तत्व, ये आपके पीएम के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आर्थिक और नैतिक था ऑप्शन में, है ना। तो इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा संज्ञा है, तत्व है ना, तत्व हमारा संज्ञा है। आर्थिक हमारा क्या है, तो आर्थिक हमारा विशेषण है। क्या है आर्थिक हमारा, आर्थिक हमारा विशेषण है, ये स्थिति की विशेषता बताता है। आर्थिक हमारा किसकी विशेषता बताता है, स्थिति की। और बात करें नैतिक, तो ये भी हमारा विशेषण है, और ये किसकी विशेषता है, ये नीति शब्द का विशेषण है। नीति हमारा संज्ञा है जिसका विशेषण क्या है, नैतिक है ना, तो ये दोनों हमारा विशेषण है। सार्वजनिक, ये भी हमारा विशेषण में ही आता है। लेकिन तत्व, तत्व हमारा क्या है, तो कोई भी तत्व जो है हमारा वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो तत्व शब्द हमारा कौन सा है, संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची से, मैं बोली ना कि पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहला भी पर्यायवाची से देखा था, और ये 7वां क्वेश्चन भी है पर्यायवाची से। इसमें क्या बोल रहा है, उनमें था कि कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, और इसमें है कि पुष्प का पर्यायवाची है। मतलब इस 3-4 ऑप्शन में से कोई एक जो है हमारा पुष्प का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में प्रसून, बी में अद्रि, सी में है मकरंद, और ऑप्शन नंबर डी में है समीर। तो चलिए जल्दी से बताइए कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा, और बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया। तो प्रसून, पुष्प का हमारा पर्यायवाची क्या है, प्रसून है ना। तो अब बात करें अद्रि, तो अद्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पर्वत, ठीक है ना, पर्वत और पहाड़, ये क्या है, तो ये हमारे अद्रि के पर्यायवाची शब्द है। बात करें मकरंद, तो मकरंद का अर्थ क्या होता है, फूल का रस है ना, फूल का रस, फूल का रस बोल सकते हैं, शहद, ठीक है ना, शहद, मधु, या फिर फूल का केसर, फूल का केसर, ये क्या हो गया, ये हमारे मकरंद के पर्यायवाची शब्द हो गया। बात करें समीर, तो समीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वायु, पवन, हवा और अनिल है ना, अनिल, ये सभी क्या हो गए हमारे, तो ये सभी हमारे क्या हो गया, समीर के पर्यायवाची शब्द। तो सभी कोई नोट डाउन कर लीजिए इसको, पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का, और 1 5 मार्क्स बहुत रैंक आपका ऊपर और नीचे कर देता है ना, तो 1-1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि वाक्यांश जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य है जिसके समान दूसरा न हो, तो इसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपार, अनन्य, अनंत और अवर्णनीय है ना, अवर्णनीय। तो चलिए बताइए कि ऐसा जिसके समान दूसरा न हो है ना, जिसके समान दूसरा न हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनन्य है ना, जिसके समान दूसरा ना हो वो क्या है, वो अनन्य। अब अपार किसको बोलेंगे, जिसका पार ना हो है ना, जिसका पार ना हो, जिसका पार ना हो वो क्या हो गया हमारा अपार, अर्थात क्या हो गया, असीम हो गया है ना, जिसकी सीमा ना, अनंत है ना, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, अनंत। जैसे अवर्णनीय, जिसका वर्णन है ना, जिसका वर्णन या बखान ना हो है ना, जिसका वर्णन या बखान ना किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवर्णनीय। सभी को क्लियर है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 क्वेश्चन आपके पीएम में भी पूछे जाते हैं और पीएमएम में भी पूछे जाते हैं। तो कौन से, नवम, नवम, 2 नवम है,
पृथक है, प्यास है। तो बताइए बच्चों कि इसमें से कौन सा जो है हमारा शुद्ध है। ठीक है, इस तरह से नवम है और एक इस तरह से। वेरी गुड, तो कौन सा शब्द शुद्ध है हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला नवम जो है हमारा शुद्ध है। ये वाला नवम, पृथक और प्यास, ये तीनों जो है हमारा अशुद्ध है। तो नवम यहाँ पे तो देख लिया आपने, नवम का इस प्रकार से शुद्ध का पृथक, तो पृथक नहीं होता है बच्चों, क्या होता है हमारा? पृथक होता है ना, पृथक। इस प्रकार से जो हमारा शुद्ध शब्द होता है प्यास, तो प्यास नहीं होता है, क्या होता है? प्यास होता है ना, प्यास होता है। ठीक है, ये प्यास इस प्रकार से होता है, प्यास नहीं होता। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें क्या है कि इसमें तीन सा शब्द शुद्ध है, एक अशुद्ध है, बारात, महत्व, लग्न, रचयिता। तो चलिए बताइए कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो वेरी गुड, बारात हमारा अशुद्ध है, बारात नहीं होता हमारा, क्या होता है? बारात है ना, बारात होता है, बारात नहीं होता है। तो ये जो बारात है हमारा इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा, क्यों? और ये बारात हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है। महत्व, लग्न और रचयिता, ये तीनों क्या हमारे? शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे हमारे PMM 2017 में पूछे गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को इस 10 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जो ये 2023 का है ना, 2022 चला गया है, 2023 का अपना एक रिजोल्यूशन बनाइए कि नहीं मुझे PM में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है और बहुत अच्छा कोर्स, जो भी आपको कोर्स पसंद हो वो कोर्स लेना है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।